अभी ये मुंबई पुणे हाईवे पे देखे, जहाँ से ये वैगन आर घूम रही है इसी साइड से मैं अपनी गाड़ी लेके निकला, तो ये जो ये बड़ा सा पत्थर आप देख रहे हैं ये पड़ा हुआ था यहाँ पे कहीं रोड पे पड़ा हुआ था। अचानक दूसरी साइड से भी गाड़ी थी तो मैं इस पत्थर को नहीं बचा पाया, ये गाड़ी के आगे वाले टायर से लगा और लग के पता नहीं छटक के उछल के कैसे ये हमारी गाड़ी के जो है डीजल टैंक को हिट कर गया और यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा मेरी गाड़ी का डीजल निकलते हुए गया। किसी और बंदे ने मुझे वहाँ पर सामने जब मैं पहुँचा किसी ने बताया कि भाई आपकी गाड़ी का जो है फ्यूल लीक हो रहा है। दोस्तों शाम हो गई थी, रात होने वाली थी और यहाँ पे ऐसे में मुझे ये जो आप जय भगवान मोटर्स देख पा रहे हैं यहाँ पे बाला भाई मिले जो पहले टाटा में काम कर रहे थे, अभी ये जो इको स्पोर्ट्स के डिस्क चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, तो इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, मेरी गाड़ी भी यहीं पे पार्क कराई और नेक्स्ट डे बहुत हेल्प की, मेरे को मदद की गाड़ी का जो है हमारा फ्यूल टैंक अरेंज कराने में, और इतनी हेल्प शायद हमारी साइड तो कोई बंदा करता नहीं। बाला भाई से भी बात आपकी अभी कराऊँगा मैं, तब तक आपको दिखा देता हूं जो हमारा डैमेज फ्यूल टैंक है वो किस हालत में है। चलो किरण भाई उठाते हैं फिर उधर दिखाते हैं आपको कि क्या है इसके अंदर माल। किरण भाई अपने सब्सक्राइबर हैं, अपने पास मिलने के लिए आए हैं, जैसा कि मैंने कल वीडियो डाली थी पर मास्क तो हटा ही दे फेस दिख जाएगा और ये सर है हमारे हमारे साथ आए हैं। क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया। एक ये भाई है छोटे, आपका क्या नाम है? रुपेश। हाथ तो मिला ही लेते हैं, अब फैलेगा तो फैल जाएगा, क्या बात है। अब हमारे साथ यहाँ पे हुआ क्या किरण भाई, मैं आपको बता दूँ, ये जो आप डब्बा देख रहे हो निकलवाना है बाइक का, तो ये इधर से तो आपको सही लग रहा है बराबर, लेकिन यहाँ से इस साइड ये देखिए ये पूरा इधर इसमें, और ये अभी भी डीजल निकल रहा है इसके अंदर से। हाँ थोड़ा रहेगा ना शायद उसमें, ये देखो अभी भी डीजल निकल रहा है, तो ये पूरा फट गया है। अब इसका क्या एक्चुअल में ये वेल्डिंग नहीं हो सकती, इसके अंदर एक स्पेशल कोटिंग होती है जिससे कोई रस्ट वगैरह ना लगे, इसकी वेल्डिंग नहीं हो सकती थी, तो हमें पूरा नया टैंक ही हमें खरीदना पड़ा। और उसके लिए मैं बताता हूँ स्टोरी के क्या क्या हमारे साथ यहाँ पे दिक्कतें पेश आई और कैसे टाटा वालों ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो दोस्तों कल जब हमारी गाड़ी का डीजल टैंक फूट गया यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, बाला भाई है मेरे साथ, बाला भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, और बाला भाई मुझे नहीं जानते थे पर्सनली और इन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, मैं आपको बताऊँ पहले तो रात को मेरी गाड़ी इन्होंने पार्क करने में मदद की, मैंने गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने पूरे पुणे में, आप पहले बताइए आपका इतना अच्छा नेचर है या पुणे में सभी लोगों का इतना, पुणे में सभी लोग ऐसे मतलब हमारी इधर मैं आपको बता दूं यूपी साइड में इतना हेल्पफुल बंदे नहीं है, इस तरीके की बातें नहीं होती हैं, कोई आता है तो रास्ता बता सकते हैं कि वहाँ चला जाए भाई अपने आप कर लेगा, तो बाला भाई ने मेरे साथ इतनी हेल्प की, पहले तो गाड़ी पार्क कराई पूरे दिल इसमें दिल्ली निकलता है मुँह से हमेशा, पूरे पुणे में ट्राई किया हर जगह क्योंकि टाटा में काम कर चुके हैं, कहीं से हमें मिल जाए हमारा डीजल टैंक और हम दिल्ली के लिए निकल जाएं, और फिर जब पुणे में नहीं मिला तो भाई ने मुंबई कुर्ला कई जगह पर फ़ोन किया, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से, ऐसे ही लोगों की मदद करते रहिए, यही लाइफ का सच्चा जो है मोटो हमारा होना चाहिए कि कोई नीडफुल है तो उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू बाला भाई। दोस्तों ये जो जय भगवान मोटर्स है बाला भाई की, ये वाकड़ ब्रिज के नीचे पड़ती है और 24 घंटे यहाँ पे ये सर्विस देते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर मैं आपको दे दूंगा, अगर आप कहीं इस जगह पे कोई फॉल्ट होता है तो आप बिल्कुल जय भगवान मोटर्स पे जा सकते हैं और बाला भाई से मिल सकते हैं, बहुत ही जॉली गुड नेचर के जो हैं ये बंदे हैं, एक बार फिर से बाला भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दोस्तों तो दोस्तों मेरे साथ हैं अभी मिस्टर अजीत कुमार पाटिल जो सर्विस मैनेजर हैं यहाँ पुणे के अंदर साईं बाबा टाटा मोटर्स का जो सर्विस सेंटर है। पाटिल साहब बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, क्योंकि कल जैसा मुझे लग रहा था, मैंने और भी पुणे में ट्राई किया था, मेरे को लगा कि 2-3 दिन हमारे लग जाएंगे और अभी लगभग 3 बजे हैं, तो यहाँ का जो मुझे माहौल लगा, जो इनका वर्कोहेलिक जो इनका नेचर है, इन्होंने आते ही देखा कि भाई गाड़ी बाहर की है और हमें निकलना था दिल्ली के लिए, तो इन्होंने अपने पूरे एफर्ट किए। आपसे एक बात पूछना चाहूंगा पाटिल साहब, आपको क्या एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़े हमारे लिए? ये तो पार्ट आपका जैसे फ्यूल टैंक डैमेज था, ओरल्स मैंने मेरे स्टॉक में नहीं था, तो पुणे सिटी का अदर डीलर से मैंने चेक किया तो किसी के पास था नहीं, तो मैंने प्लांट में चेक किया पार्ट अवेलेबिलिटी है क्या, तो मैंने प्लांट भी तो यहीं पे है ना, प्लांट के नजदीक भी है, तो उसके लिए फास्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास व्यवहार करके अलग सिस्टम है। क्या एक्सप्लेन करते हैं क्या बताया आपने,
व्यूआर करके एक अलग हमारा कैटेगरी रहता है पार्ट का, जो फास्ट हमें पार्ट मिलता है। अच्छा, जिससे किसी को जल्दी जरूरत है तो वो जल्दी मिल जाएगा। हाँ, तो उसके उसी हिसाब से हमने वो कैटेगरी में डाल के पार्ट हमने विद इन 24 आवर्स आपका पार्ट अरेंज कर दिया और आपके गाड़ी में फिटिंग कर दी। अच्छा, कल हम आए थे यहाँ पे लगभग 4 बजे के करीब आए थे शशांक, और 4 बजे से आज अभी 4 भी नहीं बजे हैं, फिट भी हो गया है गाड़ी, आपको दिखा दी है बाहर कितनी अभी अच्छी कंडीशन में है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह हमारे चार्जेस वगैरह एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेंगे सर, हम आपके टाप तो टाटा मोटर्स के वैल्यूएबल कस्टमर है हमारे। जी जी, एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस नहीं, जो एज पर MRP उसी से हिसाब से आपको पार्ट का पार्ट्स चार्जेस लगेंगे और लेबर लगेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और निकल के आई, मैं आपको बताना भूल गया, भाई साहब ने मेरे से कहा था कि अगर आपका पार्ट किसी कारण से लेट आता है तो मैं शाम को आपके लिए स्पेशली रुकूंगा। तो ये सारी चीजें जो है टाटा को, जैसे इंडियन कंपनी है, मैं इतना ज्यादा प्रेस करता रहता हूँ अक्सर अपने वीडियोस में, तो बहुत अच्छा माहौल लगा, जैसा लोगों ने एक हवा बना रखा है कि टाटा वाले जो है सर्विस अच्छी नहीं देते। यहाँ पे आगे मेरे को लग रहा है आगे में टोयोटा को भी बीट कर रही है, टोयोटा की सर्विसेज बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे हर तरीके का माहौल बहुत ही जेन्युइन लगा। मैं आपको बता दूं, जैसे अभी पटेल साहब है हमारे, यंग एज के हैं, पहले मैंने देखा है जब टाटा की सफारी या सुमो टाइम पे चलती थी तो सर्विस सेंटर में जो स्टाफ होता था मोस्टली वो एक्स सर्विस मैन, यानी कि फौजी एयरफोर्स वाले अभी भी हैं यहाँ पे भी अभी। हाँ, लेकिन जब से ये यंग जनरेशन की तरफ टाटा ने मूव किया है तो सर्विस में बहुत सुधार। आपने भी कभी टाटा के सर्विस सेंटर पहले यहाँ पे जॉब करने से पहले विजिट किए होंगे, तो पहले में और अब में काफी ज्यादा सुधार आ चुका है। जैसे मॉडल अपग्रेड हुए तो उसी हिसाब से हमारा वर्कशॉप भी अपडेट हुआ है। ऐसा नहीं है कि गाड़ियां अच्छी बनाने लगे हैं तो फिर सर्विस में अपग्रेड नहीं है सर, आपको मैंने दिखाया वर्कशॉप भी इनका, काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स अभी टाटा में आ गए हैं और सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो एज ए कस्टमर मैं बता दूं बहुत हाई जाता है अभी टाटा के शोरूम में आने के बाद, शोरूम कह लो सर्विस सेंटर कह लो। अच्छा पाटिल साहब, एक चीज बताइए, मतलब ये जो टैंक है हमें ये मिलने में इतना दिक्कत क्यों हुई? पुणे इतना बड़ा शहर है, एकदम से नहीं मिल पा रहा था जैसे टाटा के पास। ये कुछ पार्ट्स रहते सर जो कार के बॉडी पार्ट्स रहते हैं वो किसी डीलर के पास स्टॉक में रहते नहीं है, मतलब अवेलेबल बड़े पार्ट रहते तो। अच्छा, मान लो जैसे लाइट फूटेगी या फिर ORVM टूट जाएगा तो वो इजीली मिल जाते हैं, बड़े पार्ट्स बॉडी पार्ट्स जैसे रहते हैं डोर बोनेट ये कुछ पार्ट्स रहते हैं वो जो डीलर स्टॉक में रहता नहीं है तो ये मंगवाना ही पड़ता है। और हमारा तो नजदीक है, हम ऐसे विद इन 12 आवर्स हम अरेंज कर सकते हैं। हम मान लीजिए हम किसी और सिटी में होते तो वहां पे पहुंचने में इसको टाइम भी ज्यादा लग जाता है, तो जेन्युइन टाइम है। एक्चुअली में क्या है, फ्यूल टैंक फूटता नहीं है अक्सर लोगों का, बॉडी शॉप में ही लगता है, मैन्युफैक्चरिंग कुछ डिफॉल्ट आता नहीं है उसमें, जरूरत भी नहीं पड़ती है ऐसे, वो ऐसी जगह पे रहता है कि नहीं टूटता, हेडलाइट वगैरह बम्पर वगैरह सब स्टॉक में रखते हैं वो, तो एकदम अगर हम आते हैं ऐसी कोई चीज टूटती तो वो तो हैंड टू हैंड हमारी मिल जाती। तो धन्यवाद पाटिल साहब, आपने साहेब निकल रहा है अभी वही थोड़ी महाराष्ट्र में है तो मराठवाड़ा वाली टच आने लगी है लैंग्वेज साहेब, तो धन्यवाद पाटिल साहब। ये यहाँ पे इनका जो है कस्टमर लॉन्ज है जो कि काफ़ी पीसफुल है यहाँ पे, और इधर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सामने हमारी जो नेक्सोन है वो रेडी है। मैं बहुत खुश हूँ कि विद इन 24 आवर्स मेरी जो गाड़ी है वो रेडी हो गई है। तो दोस्तों ये थी टोटल स्टोरी, मेरी गाड़ी का टैंक फूट गया और टाटा वालों ने भाई साहब पूरी हेल्प की, इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी कि टाटा इतनी जल्दी हमारे काम कर देगा, लेकिन जैसे अजीत भाई हैं हमारे, अजीत पाटिल साहब थे, मैं बिल्कुल अंदर से खुश हो रहा था इस चीज को सोच के। उन्होंने मुझे हालांकि ये कहा था कि अगर कल शाम तक हमारे पास पार्ट आता है तो मैं 1-2 घंटे के लिए किसी मैकेनिक को रोक के रखूंगा और आपका पार्ट कल ही फिट करा के जाऊंगा। बाकी भी पुणे के जो स्टोर्स हैं वहां पे मैंने बात की थी तो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था। ये जो पार्ट है, टंकी है, टैंक है, ये ऐसा है दोस्तों, ये नहीं मिलता है इजिली और ना ही फूटता है ज्यादातर, इस वजह से मुझे मुश्किल लग रहा था, पर यह जरूर पता था क्योंकि पुणे के कई सारे जो सर्विस सेंटर वाले हैं उन्होंने बताया कि कम से कम 2 दिन के अंदर आपका पार्ट डिलीवर होगा और उसके बाद इसको फिट किया जाएगा। और ये जो सारा स्टाफ है वो इसी इन्हीं शर्तों पे काम करता है, भाई सीनियर किस तरीके का है, यहाँ पे जो सर्विस मैनेजर हैं इन्होंने हर चीज पाटिल साहब ने बिल्कुल तरीके से मैनेज करके रखी है। एक एक वर्कर प्रॉपर सैनिटाइज था और हमें सैनिटाइज किया गया, जब गाड़ी हमारी अंदर गई मैं शूट नहीं कर पाया, पूरी प्रॉपरली सैनिटाइजेशन का यूज किया गया। हाँ, यहाँ पे जो मैंने 2 मिनट बात की है ये सैनिटाइज हो गया, हमने थोड़ी सी बस 2 मिनट के लिए ये बात इनसे करनी जरूरी थी, फेस दिखाना जरूरी था। अगर आप भी पुणे के अंदर आते हैं तो आप साईं बाबा सर्विस सेंटर पे जाके देखिए, आपको सर्विस का डिफरेंस पता चलता है,
क्या क्वालिटी सर्विस अभी टाटा देने लगा है। मुझे नहीं पता अलग अलग शहरों में क्या हाल है टाटा की सर्विस का, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डील किया गया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक किए बिना मत जाइएगा, और कोई पर्सनल सवाल मन में आता है तो यहाँ इंस्टाग्राम हैंडल मेरा आपको दिख रहा होगा अरुण कुशल खत्री के नाम से, वहां जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक आपका प्यारा चैनल जिप ऑफ लाइफ सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो यार, जाके बेल आइकन दबा दो। इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं वो समझ नहीं आ रहा। इसी के साथ दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।